प्रिंट कैसे करोगे? चलो अब प्रिंट ऑप्शन समझाता हूँ थोड़ा सा मैं। प्रिंट करना जरूरी है भाई, आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो प्रिंटिंग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है आपके पास में? डॉक्यूमेंट है। प्रिंट करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। प्रिंटर होना जरूरी है, प्रिंटर की केबल अटैच होना भी जरूरी है, पावर ऑन होना जरूरी है, साथ में उसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम ड्राइवर बोलते हैं, उसमें इंस्टॉल होना चाहिए भाई बंदी कराने के लिए। अब भाई पहचान कराते कि नहीं? आपसे कोई आकर डायरेक्ट बोले 10,000 दे दे दोगे? पर आपका घनिष्ठ मित्र होगा तो भाई पहले से भाई बंदी है ना, तो ऐसे यहाँ ड्राइवर होता है। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो प्रिंटिंग क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी, ये जो हमको दिख रहा है इसको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना क्या कहलाती है? प्रिंटिंग कहलाती है। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर होना जरूरी है, तो सीधे आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाना है। प्रिंट कैसा आएगा सामने दिख रहा है, प्रीव्यू, इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट कैसे करना है वो आपके लिए ऑप्शन दिया है, देखो प्रिंट कर दो डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना। कितनी कॉपी निकालना है वो देना पड़ेगा, मान लो आपको 3 कॉपी निकालना, 3 दे दो। अब आपके पास में एक ही पेज है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो यहाँ प्रिंटर कौन सा है वो भी ध्यान देना है कि भाई कैनन का है, एचपी का है, जो भी है ना आपके पास होगा। तो मान लो हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ऑल पेज करना है, जैसे आपके पास 10 पेज है तो 10 करना था आप ऑल पेज, नहीं तो आपको 1 से लेकर 5 तक करना, 1 से लेकर 5, समझ गए भाई? कम पेज भी निकाल सकते हैं कि नहीं? 100 पेज का डॉक्यूमेंट हो सकता है कि नहीं? तो 100 पेज पूरे निकाल लोगे भाई, 10 निकालोगे, 20 निकालोगे, तो यहाँ नंबर दे सकते हैं जैसे हम वहाँ देते थे। उसके बाद वन साइड रहने देना। एक और होता है क्वालिटेट, जैसे आपको बोले कोई कि 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, 5 पेज में आपका मार्कशीट रखी, 10, 12 ग्रेजुएशन, आधार कार्ड और एक और कोई डॉक्यूमेंट, 5 पेज, तो आप 5 पेज निकालोगे और 3-3 कॉपी निकालोगे, तो सेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो 15 डॉक्यूमेंट तो निकलेंगे, पर आधार कार्ड का देखो 5 पेज एक साथ निकल जाएंगे जिसमें रहेगी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, आधार कार्ड, ऐसे फिर दूसरे 5 पेज निकलेंगे उसमें भी ऐसे रहेंगे, है ना? पर हम चाहते हैं कि ये सेट बन के निकले। सेट कैसे बनना है कि भाई एक के 3 सेट अलग निकल जाए, मतलब आधार कार्ड की 3 कॉपी अलग, फिर उसके बाद दूसरे की 3 कॉपी अलग, तीसरे की 3 कॉपी अलग, तो ऐसे अगर सेट बनाना क्वालिटेड, नहीं बनाना है तो अनक्वालिटेड। सेट नहीं बनाना तो अनक्वालिटेड, और सेट बनाना तो क्वालिटेड। उसके बाद प्रिंट ओरिएंटेशन, भाई प्रिंट कर रहे हैं तो आपका पेज खड़ा होना चाहिए या आड़ा, वो भी डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट प्रिंट करना है या लैंडस्केप करना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि हमने पहले से बनाए थे तो पोर्ट्रेट में बनाए तो कोई मतलब ही नहीं, हम पोर्ट्रेट रख देते हैं, बाद में बदलना तो उसके लिए होता है। पेज कौन सा लेना है तो ज़्यादातर हम A4 लेते हैं, और मार्जिन वगैरह हमने पहले से सेट कर चुके हैं, चाहे तो हम यहीं से कर सकते हैं। एक जैसे देखो एक सीट है, एक सीट में कितने पेज आना चाहिए यहाँ पे? तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही आता है, पर हम चाहते हैं 2 आए, तो देखो ये जो पेज है ये हाफ में बढ़ जाएगा, दूसरा पेज हाफ में, मतलब छोटे छोटे निकालना, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई छोटे में निकाल दे पढ़ लेंगे, फिर भी होता है ना कि अपन 100 पेज को 25 पेज में निकाल सकते, तो एक पेज में हम 4, देखो एक पेज में 4, मतलब एक सीट में 4 पेज ला सकते हैं, एक पेज में ये देखो, मतलब एक सीट में 2 पेज ला सकते हैं, या फिर एक में 1 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स देखिए पहले, है ना, ये आप पहले कर चुके हो, इतना सारी सेटिंग हो जाती है। उसके बाद आप सीधे क्या करोगे, प्रिंट पर। क्या जरूरी है? प्रिंटर अटैच होना चाहिए, पावर ऑन होना चाहिए, प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए, बस, और आप प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रिंट करना है, समझ गए? ठीक है।